बताइए जैन साहब, कौन सा स्टॉक चुनाया आज आपने? बिल्कुल, एक बेहतरीन कंपनी है सास्केन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये इनफैक्ट देखिए आईटी स्टॉक्स में मैं वैसे ही थोड़ा बुलिश जाता रहता हूं और मैंने काफी स्टॉक्स इस पूरे सीरीज में रेकमेंड किया और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली देखिए सास्केन टेक्नोलॉजीज को इनफैक्ट नीचे के लेवल्स में मैंने अगस्त सितंबर के महीने में दिया था एसपीएल मिड कैप्स में, बट वहां से अब ये क्वालिफाई कर गया जैन साहब के जल्द, वहां पे टारगेट्स अचीव हुए और अब जिस लेवल पे ये कंसोलिडेशन है, तब दिसंबर के रिजल्ट्स नहीं आए थे, सितंबर के भी रिजल्ट्स नहीं आए थे और अब सितंबर और दिसंबर के रिजल्ट्स के बाद सास्केन और बढ़िया लगने लगा और एफआईआई का जो कॉन्फिडेंस कंपनी के ऊपर बढ़ते जा रहा है तो और बढ़िया लगने लगा। देखिए सर, अब 13-14 के पी मल्टीपल पे एक बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 18-19, और टेक्नोलॉजीज का नाम आता तो आप समझ ही लीजिए कि किस तरीके की कंपनी होगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंपनी है और 1989 से कार्यरत है, करीब 1700 लोगों को एम्प्लॉय करती है कंपनी और अच्छे खासे सेंटर्स है फिनलैंड में भी, जर्मनी में भी, इंडिया के अलावा। तो मुझे लगता है कि जो प्रेजेंस इनका बाहर है और ओवरऑल जो प्रोमोटर्स की बैकग्राउंड क्वालिटी सबको देखता हूं और फंडामेंटल्स को देखता हूं तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है और डिविडेंड यील्ड करीब 3.5% के लगभग है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पिछले 5 साल की अगर कैगर देखे प्रॉफिट की करीब 32-33% के लगभग है। पिछले 3-4 क्वार्टर में कंपनी ने जबरदस्त कॉस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट पे ध्यान दिया है और 31% का ओपीएम कंपनी का है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 16% के लगभग है। जीरो डेट कंपनी है और जो मैं बता रहा था दिसंबर 19 का अगर क्वार्टर देखे तो 23 करोड़ का पैट था, उसके सामने दिसंबर क्वार्टर में 2020 में 34 करोड़ का पैट। और इन सब फंडामेंटल्स को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक को आराम से ले इन लेवल्स पे और नीचे आए तो घबराए नहीं और कन्विक्शन के साथ लेने की कोशिश करें 970-990 के टारगेट्स के लिए। ओके, 970 और 990 ये दो टारगेट लेकर चलें सास्केन कम्युनिकेशन, यहां पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से।